86 साल की उम्र में अजीत सिंह का निधन हो गया है। इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट दे दें, आरएडी अध्यक्ष अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में अजीत सिंह कोरोना संक्रमण के चलते गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थे। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के बेटे थे। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत से 7 बार सांसद रहे, केंद्र सरकार में उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। कोरोना का उनका इलाज चल रहा था गुरुग्राम के एक अस्पताल में। अजीत सिंह का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। आपसे कुछ ही देर पहले ये खबर आई। शिवेंद्र हमारे संवाददाता सर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अब से कुछ देर पहले ये दुखद खबर आई, सिर्फ परिवार ही नहीं पार्टी के लिए भी का पूर्ण क्षति। जी बिल्कुल, देखिए चौधरी, अजीत सिंह का जाना पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हमेशा किसानों के हित के लिए लड़ते थे और किसानों के लिए संघर्ष के लिए जाने जाते थे। और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी कई बार उन्होंने चिट्ठी लिख करके और साथ में भरोसा इस बात को जलाया कि किस तरह से आंदोलन चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह, जो उनके पिताजी थे, प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। उनके बाद अगर किसी ने लीगेसी उनकी संभाली थी और किसानों और दूसरे गांव के से जुड़े हुए जमीनी नेताओं को जोड़ने का अगर काम किया था राष्ट्रीय लोकदल में, तो चौधरी अजीत सिंह ने ही किया था। हालांकि अब उनके बेटे जयंत चौधरी आगे कमान संभाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह अजीत सिंह ने तमाम दलों के साथ सामंजस्य बिठा करके राजनीति की थी, वो अपने आप में एक मिसाल थी। और इसीलिए जब भी कोई ऐसी मौका आता था जबकि राजनीतिक संकट होता था छोटे दलों के बीच में, उनको चाहे वो सामंजस्य बिठाने की बात हो या सरकार बनाने की बात हो, उन दौरान अजीत सिंह ने कई बार बड़ा अहम रोल निभाया। और अभी जो ये हुआ है, वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हालत बीच में सुधरी जरूर लेकिन फिर बिगड़ती चली गई। और जो गुड़गांव का मेदांता हॉस्पिटल है वहां पर इलाज चल रहा था, परिवार के लोग भी तमाम लोग थे, पार्टी के लोग भी वहां आते जाते थे बाहर से हालचाल समझने के लिए, देखने के लिए। और आज सुबह उनका निधन हुआ है और इस बात की पुष्टि उनके पारिवारिक लोगों ने भी की है। और इससे एक बहुत बड़ा जो शून्य एक जो किसानों के नेताओं के बीच में और जो दलित नीचे पिछड़े तबके के नेताओं के बीच में था, ऐसा शून्य पैदा हो गया है, ऐसा पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है। और अभी फिलहाल उनकी जो मृत्यु हुई है उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में और पार्टी में शोक की लहर है। बने रहिए हमारे साथ शिवेंद्र, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि कोरोना की अब बात कर लेते हैं। कोरोना रोजाना लोगों की जान ले रहा है, ये कोरोना की दूसरी लहर, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी से कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई। वैज्ञानिक सलाहकार की चेतावनी है कि जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसी तरह कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, क्योंकि ये खतरनाक वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। इसीलिए तीसरी लहर को टालना मुश्किल है, लेकिन तीसरी लहर कब आएगी ये कहना भी मुश्किल है। SARS coronavirus 2 go from here. A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. देश कोरोना की दूसरी लहर से कराह रहा है। इस लहर ने देश को जितना दर्द और खौफ दिया है उसके मुकाबले पहली लहर कुछ भी नहीं लगती। ऐसे में सवाल खड़ा है कि जब तीसरी लहर आएगी तो क्या वो और भी विनाशकारी होगी? क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करके तीसरी लहर की धार को रोका जा सकता है? फिलहाल जानकार इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारों ने इस चेतावनी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। सरकारच्या विज्ञान विषयक सल्लागाराने एक इशारा दिलेला आहे की देशामध्ये तीसरी लाट येते आहे, सावध रहा। सावध रहा म्हणजे काय करायचं? तर नवीन काही नाही आहे त्याच गोष्टी। दूसरी लहर में कोविड वायरस का रूप विकराल है, खास तौर से इसे लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये अपना फैलाव नित नए इलाकों में कर रहा है। जैसे कर्नाटक और बेंगलुरु का उदाहरण लीजिए। बेंगलुरु से कल 23,106 नए केस सामने आए। किसी एक शहर से एक दिन में इतने ज्यादा कोविड केस अब तक नहीं आए थे। बेंगलुरु की वजह से ही कल कर्नाटक में कोविड के नए मरीजों की संख्या 50,112 तक पहुंच गई। राज्यों में 346 लोगों की कल कोरोना से मौत हो गई। इसी तरह अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, पंजाब,
मध्य प्रदेश में कोरोना के केस में तेजी से उछाल दर्ज हुआ था, लेकिन इन इलाकों में अब कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, जबकि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी लहर में अहम चिंता ये बनकर आई है कि जब कोविड केस कम होते दिखते हैं तभी ये अचानक बढ़ जाता है। देश के पिछले 5 दिनों के मामले देख लीजिए। 1 अप्रैल 4,01,993 मामले, 2 अप्रैल को 3,92,448 मामले, 3 अप्रैल को 3,68,147 मामले, 4 अप्रैल को 3,57,229 मामले, जबकि 5 अप्रैल को 3,82,315 मामले। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कुछ स्टेट्स में हमें अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग और केसेस का डिक्रीज भी दिखाई दे रहा है। उसके तहत हम देखते हैं तो पाते हैं कि महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। साफ है कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए विनाशकारी साबित हो रही है, ऐसे में जरूरी है सावधानी। अगर तीसरी लहर रोकी नहीं जा सकती तो कम से कम इससे होने वाले विनाश की दर को तो सावधानी और एहतियात से रोका ही जा सकता है। तो आप रहिए सावधान। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर से हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हैं, सौरभ अक्तानिया मुंबई से हैं, पटना से सुजीत झा हैं, नागार्जुन बेंगलुरु से हैं, वहीं शिवेन श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल आपका रुख करते हुए, दिल्ली में एक तरफ तो ऑक्सीजन की जो भारी कमी थी, किल्लत थी, वो तो हमने देख ली, लॉकडाउन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज तक एक स्टिंग ऑपरेशन ने एम्बुलेंस किस तरह से कालाबाजारी उसकी हो रही है उसे दिखाया और उसका असर हुआ है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है कि जिस समय आपदा है उस समय कैसे कालाबाजारी करने वाले अपने लिए अवसर ढूंढ रहे थे, और इसी का पर्दाफाश हमने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए किया कि कैसे एम्बुलेंस के नाम पर हजारों लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, महज कुछ किलोमीटर के लिए लोगों को इतना ज्यादा सताया जा रहा है, तो उसको तो हमने सामने लाया ही। साथ ही साथ सरकार ने भी ये कहा कि आपदा के समय इस तरीके की जो कालाबाजारी कर रहे हैं उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब भी जो नंबर ऑफ केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ये भी हमें समझना होगा कि क्यों ऐसी स्थिति आई, अगर एम्बुलेंस की संख्या कम हो, मरीजों की संख्या ज्यादा हो, लोग दर दर भटकते हो, कोई एक सेंट्रलाइज्ड लाइन नहीं हो जहां पर आप किसी को भी फोन करके एम्बुलेंस मंगवा सके या सरकार की कोई एजेंसी भेजे, तो ऐसा होना लाजमी था और उसी वजह से ये हुआ है। और इसीलिए जब कहा जाता है कि तीसरी वेव आएगी तो कैसी तैयारी होनी चाहिए, तो ये दूसरी वेव का सबक है जो कि हमें सीखना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी से कैसे दो चार हुआ जाए, एम्बुलेंस की कमी से कैसे दो चार हुआ जाए, और साथ ही साथ जो बेड की क्राइसिस थी जो कुछ दिनों पहले तक लोगों को। सौरभ अक्तानिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। सौरभ, उद्धव सरकार ने मान लिया है कि तीसरी लहर तो आनी ही है, ऐसे में मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम शहरों में किस तरीके से तैयारी की जाएगी? लॉकडाउन तो लगा रहेगा ही, ये तो हम मान के चले, इसके अलावा क्या तैयारी? देखिए नेहा, सबसे बड़ा जो कंसर्न है महाराष्ट्र सरकार के लिए, जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। कल देखिए, कल पूरे महाराष्ट्र में 920 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, और इसी के बीच अब जिस तरीके से थर्ड वेव का जो खतरा बन रहा है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन की तैयारी सबसे बराबर से होनी चाहिए। देखिए महाराष्ट्र इस वक्त खुद के दम पर 1200 मेट्रिक टन रोजाना तैयार कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कल साफ कह दिया कि इसे और इसकी क्षमता और बढ़ानी है और अगले एक महीने में 3000 मेट्रिक टन रोजाना निर्यात किया जाएगा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। तो ये एक तरीके से ऑक्सीजन की कमी ना हो, साथ ही उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर बेड्स की जो सुविधा है वो लगातार बढ़ानी है, क्योंकि इस वक्त अगर कोई पेशेंट को सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड की। तो ये दो चीजें जो है प्राथमिकता पे की जा रही है, लगातार जितने भी जो ऑफिशियल्स है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में सभी से यही बात करके इन्हें बढ़ाया जा रहा है।
साथ ही अगर जो टीकाकरण की बात करें तो उन्होंने कल माना कि शिवेंद्र वासु हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, लखनऊ में हमने देखा है किस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अब वहां पर पूर्ण पाबंदी कई चीजों पर लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद क्या संक्रमण रेट यानी कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हुआ है? देखिए नेहा, अगर देखा जाए पिछले 4-5 दिनों में तो उत्तर प्रदेश में चाहे आंकड़ों की बात हो या फिर हालात सुधरने की बात हो, उसमें थोड़ा सा अंतर आया है, क्योंकि संख्या जो 30,000 के आसपास रहती थी ऊपर पूरे प्रदेश में संक्रमण की प्रतिदिन रिपोर्ट जो आती थी वो भी घटी है और जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है, वो फायदे की तरफ है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बेड्स और ऑक्सीजन की कमी की बात लगातार की जा रही थी, हालांकि ऑक्सीजन को लेकर के अभी भी दिक्कत है, लेकिन बेड्स बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर 350 बेड कम से कम बढ़ चुके हैं। वो DRDO का जो अस्पताल था वो शुरू हो गया, जिसमें 500 बेड होने थे उसमें 250 बेड ऑपरेशनल हो गए हैं। इसके अलावा एक कैंसर अस्पताल था उसमें भी 100 बेड्स बढ़ाने की बात थी, उसमें 80 बेड्स ऑपरेशनल है, जहां पर मरीज जो है भर्ती होकर के अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि अभी मुश्किल जो आ रही थी इन चीजों के अभाव के चलते कई लोग बगैर इलाज। आपकी जानकारी से मालूम पड़ता है कि स्थिति पहले से मामूली सुधार है, थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अभी भी चीजें परिस्थितियां ठीक नहीं हुई हैं और इसमें वक्त लग सकता है। बहरहाल बात करेंगे उन 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जिन्होंने अपने राज्य का हाल बताया है और यह भी बताया है साथ में कि किस तरीके से ये राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है, संक्रमण का रेट यहां पर सबसे ज्यादा है। देखो, थर्ड वेव एंटिसिपेट हम कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त के दरमियान या सितंबर के दरमियान थर्ड वेव भी आ सकती है, ऐसा केंद्र शासन ने भी राज्य शासन के VC में कहा है, लेकिन अभी इसकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो करना बहुत ज़रूरी है। 12 जिलों में ये केंद्र शासन ने भी मान्य किया है और करीबन बाकी के जो जिले जिसमें अभी भी ग्रोथ दिखाई दे रही है तो उसमें बेड्स बढ़ाने का काम हो, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का काम हो, नर्सेस टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ाने का काम हो सकता है तो फील्ड हॉस्पिटल्स बढ़ाने का काम हो, ये सब आदेश हमने कलेक्टर्स कमिश्नर्स को दे रखे हैं। महामारी में कभी कभी संसाधन कुछ कम भी पड़ जाते हैं, इस बार का जो आपका कोविड का जो स्ट्रेन है ये और तीव्र है और ये बहुत क्या बोलते हैं इन्फेक्शियस है, तो इसको देखते हुए कई जगह कम पड़ जाता है और ये आज खाली इंडिया की बात नहीं है, हमारे भारत की बात नहीं है, कई देशों में ये कम पड़ चुका है, पर उतने ही तेजी से आप अपना तैयारी करके उसको संसाधन को मीट करने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग अपने अपने को कोरोना से बचाने में यदि सफल होते हैं तो हम समाज को कोरोना से बचा पाएंगे। आप सब लोगों से मैं सादर आग्रह करता हूं कि कोरोना के लॉकडाउन के नियमों का आप सब लोग पालन करें। हमने 144,000 RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता प्राप्त कर ली, हम लोग 80,000 से 85,000 टेस्ट पर डे कर भी रहे हैं, हमारा जो मृत्यु दर है 0.71% है जो पूरे कंट्री में सबसे कम है। एक्टिव केसेस लेकिन चिंता का विषय है कि राजस्थान में लगभग 190,000 एक्टिव केस हो गए, पूरे देश में सर्वाधिक संक्रमित जो 5 राज्य हैं उसमें राजस्थान का नंबर आ गया, ये हमारे लिए चिंता की बात है। पूरी टीम बनी हुई है, कंट्रोल रूम हमारा बना हुआ है, 24 आवर कंट्रोल रूम काम करता है, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसको उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से प्रयास हम लोगों का रहता है कि कहीं किसी प्रकार की कमी ना आ जाए। पहले से ही सब लोगों को कलेक्टर्स को सबको निर्देश दिए गए हैं कि जहां ऑक्सीजन की मतलब कितनी उपलब्ध है और कब तक आवश्यकता है उसको आपूर्ति करने का पूरा प्रयास, टैंकरों को भी अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है जहां जहां से भी मिल सकते थे। लेवल 3 का जो हमारा वो है फैसिलिटी है वहां 2400 बेड थे, हमारे 2190% बेड हमारे उसमें फुल हो गए थे, जो कि बड़ी चिंता का विषय है कि आज पूरे पंजाब में भी वही कंडीशन है बाकी जो दिल्ली की। और सबसे बड़ी बात हमारे को जो मार्क पड़ रही है वो दिल्ली के जो लोग हैं वो पंजाब में आकर एडमिट हो रहे हैं और सारे पंजाब में शिफ्ट कर रहे हैं, इवन हरियाणा के भी, दिल्ली के भी, JNK के भी, हिमाचल के भी, सब लोग पंजाब में आ रहे हैं।
सुजीत झा हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी किस तरीके से फेलियर साबित हुई है तमाम राज्यों में, ये किसी से भी अब जानकारी छिपी नहीं है, बिहार भी से अछूता नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत जो आप रोज देखते हैं वो बयां करिए। देखिए नेहा, बिहार की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं अभी पॉजिटिविटी रेट करीब 15% है, यहाँ पर टेस्ट जो है वो 90 से 1 लाख के बीच किए जा रहे हैं। लॉकडाउन लगाया गया है लेकिन लॉकडाउन काफ़ी देरी से लगाया गया है ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय पहली बार पाबंदी लगाई गई थी बिहार में उस समय केवल 2000 प्रतिदिन केस आ रहे थे, आज 14000 से अधिक 15000 के करीब में केसेज आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉकडाउन लगा दिया गया है लेकिन सरकार ने कुछ छूट भी दी है। अभी का आप माहौल देख सकते हैं, 7 बजे से 11 बजे तक जो है वो जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों को छूट दी गई है, सब्जी खरीदने के लिए या किराना का सामान जो भी खरीदने के लिए, वो काफ़ी भारी पड़ सकता है बिहार के लिए, खासतौर पर जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार में जो है संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री ने भी कहा। कल मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की, उसमें ऑक्सीजन की कितनी उपलब्धता होनी चाहिए इसके बारे में कोई आकलन अभी राज्य सरकार ने नहीं किया है, इसके बारे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह आकलन करें कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी 134 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है बिहार को और कई हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा है कि उनकी सांसें रुकी रहती है क्योंकि कब सिलेंडर खत्म हो जाए, हालांकि अभी पूरी तरह से खत्म होने का मामला नहीं आया है। तो कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर है, स्थिति गंभीर है बिहार में भी, तमाम अन्य राज्यों में और साथ ही कर्नाटक में भी। नागार्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। नागार्जुन, वहां पर इस वक्त स्थिति खराब है कर्नाटक में, क्योंकि 50,000 से ज्यादा केसेस का सामने आना यह इशारा करता है कि डाउन साउथ अब मामले बढ़ रहे हैं, जो पहले नहीं देखने को मिल रहा था, अचानक से वहां पर मामलों में इजाफा हुआ है। वेल गुड मॉर्निंग नेहा, दैट्स ट्रू दैट एक हफ्ते से कर्नाटक नंबर वन स्पॉट में जाने की सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। कल 50,000 केसेस आए, उसमें 23,000 सिर्फ बैंगलोर में है, बैंगलोर एक कोविड क्लस्टर बन चुका है और बैंगलोर की वजह से काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से उसमें भी वेटेज बढ़ चुका है। 3,000-2,000 मैसूर मैंगलोर में हो रहा है केसेस, इसकी वजह से जो हॉस्पिटल सेक्टर हेल्थ सेक्टर है उस पर काफी तमाम प्रेशर बढ़ रही है, बेड्स नहीं मिल रही है। तो सरकार की यह सोच है कि लॉकडाउन एक्सटेंड करे और संपूर्ण लॉकडाउन करे। अभी तक जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गारमेंट वर्कर्स की फैक्ट्रीज खुली है वो भी बंद करके सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ओपन करने की एक चिंता है सरकार की। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, 24 घंटे में कोरोना के 4,00,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, 4,12,262 नए मामले पिछले 24 घंटे में कोरोना के, तो संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, 24 घंटे में 4,00,000 से ज्यादा आंकड़े, जबकि 3,980 लोगों की जान भी गई है। ताजा अपडेट संक्रमण मामलों को लेकर हम आपको बता दें, 24 घंटे में लगभग 4,12,000 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा, 3,000 से ज्यादा की मौत, अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा, 24 घंटे में 3,980 लोगों की जान गई। लगातार परेशानी का सबब पॉजिटिविटी रेट बढ़ा हुआ है, ये बना हुआ है चिंता का सबब, 24 घंटे में 4,00,000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वहां पर लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन लागू करने में पुलिस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में स्कूटी से निकली एक लड़की को जब पुलिस ने रोका तो क्या कुछ हुआ देखिए। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं दलदल मच गया, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी तो चालान कटने से रही और आप काटने से रहे और आपकी नौकरी भी जाने से रही। चलिए नहीं लगाऊंगी मैं। अच्छा नहीं लगा, कानून का पालन नहीं करें, आदमी मर रहा, आपको लोग आपको हेलमेट का चिंता हो रहा है। क्यों हेलमेट का चिंता नहीं, नहीं, नहीं हेलमेट का चिंता हो रहा है। हाँ। लेकिन ये चिंता नहीं हो रहा है कि रिक्शा वाला भूखे मर रहा है। मैं तो हर पिछले साल रूल तोड़ के करेंगी आप कुछ भी, पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में बांटी हूँ खाना और इस साल भी बांटूंगी, अगर मेरे पास 10 रुपए है तो 5 रुपए
खिलाऊंगी। अभी जाके देखिए रिक्शा वाला कैसे मर रहा है भूखे, उसको पूछ करके आई खाना खिला के आई हूँ। सोचते हैं एक बार की लड़की होकर के निकल के जा करके उस लोगों को खिलाने जाती हूँ। बताइए मुझे, जो आदमी रोज खाता है, रोज पीता है और रोज रिक्शा चला करके वही खाना खाता है, उसका क्या होगा? और मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा जंक्शन जाने के लिए। सर आप बताइए मैं कैसे जाऊँ, इसको लेके जाऊँ कहाँ लगाऊंगी? 1.5 लाख की गाड़ी चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कहाँ लगाऊ? उसके चलते 3 घंटे से फिर रही थी मार्केट में, कहीं गाड़ी मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए। कोई गाड़ी निकालने को घर से तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि पुलिस वाले डंडा देते हैं। अरे डंडा उसको दो ना जो गुनाह करता है, जो अगर जो आदमी अपने काम के सिलसिले में अगर जा रहा है उसको सवारी को छोड़ने के लिए, ये कौन सा गुनाह है मुझे बताइए।